हेलो गाइस, मैं ओलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। गाइस, होली मनाने का देश के कई शहरों में अपना अलग अलग तरीका है। होली में लोग रंगों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इटावा में एक ऐसा गांव है जहां रंगों की जगह बिच्छुओं से होली खेली जाती है। यहां फाग की थाप पर सैकड़ों की संख्या में बिच्छू अपने बिलों से बाहर आते हैं और फिर गाँव में बड़े हो या बच्चे सभी बिच्छुओं से होली खेलते हैं। बिच्छुओं को हाथों में उठाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। बच्चे इन बिच्छुओं को पकड़कर खूब खेलते हैं और एक दूसरे पर फेंकते हैं। लेकिन मजाल है जो ये जहरीले बिच्छू किसी को डंक मार दे। सुनने में ये कुछ अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन सोंथना गांव की प्रथा सैकड़ों सालों से ऐसी ही चली आ रही है। सोंथना गांव के बाहर भैंसान नाम का प्राचीन टीला है। ऐसा कहा जाता है कि किसी समय इस टीले पर भैंसों की बलि दी जाती थी। गांव के लोग इस टीले को भैसान बाबा के रूप में पूजते हैं। गांव में जब किसी की शादी होती है तो तेल चढ़ाने की परंपरा इसी टीले पर निभाई जाती है। लोग यहां आकर मन्नत भी मांगते हैं और पूरी होने पर पूजा करते हैं। इस टीले पर हजारों की संख्या में ईंट और पत्थरों के टुकड़े पड़े हुए हैं, जिन्हें आमतौर पर लोग हटाते हैं तो नीचे कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब होली पूर्णिमा के दूसरे दिन परेवा की शाम को बड़े बुजुर्ग और बच्चे टीले पर इकट्ठा होते हैं तो फाग गायन की शुरुआत करते हैं, तो ईंट पत्थरों के बीच न जाने कहां से हजारों की संख्या में जहरीले बिच्छू का निकलना शुरू हो जाता है। बड़े और बच्चे सभी इन बिच्छू को उठाकर अपनी हथेली पर रख लेते हैं और ये उनके शरीर पर रेंगते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो बिच्छू गले मिलकर होली की बधाई दे रहे हों। बच्चे एक दूसरे पर बिच्छू को फेंक कर खेलते हैं, लेकिन ये उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। टीले से जाने से पहले गांव के बच्चे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर बिच्छू को वहीं पर छोड़ देते हैं। अगले दिन टीले पर एक भी बिच्छू भी नहीं दिखाई देता। सोथना गांव के रहने वाले लोगों का कहना है कि होली के दिन ये जहरीले बिच्छू किसी को डंक नहीं मारते। होली के बाद घरों में जब यही बिच्छू निकलते हैं तो डंक मारते हैं और जहर भी चढ़ जाता है। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि इस टीले पर हजारों की संख्या में पड़े ईंट पत्थर का कोई टुकड़ा अगर कोई ले जा ले तो घर में बिच्छू निकलना शुरू हो जाते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।